नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है रिपोर्ट एक्सक्लूसिव डॉट कॉम में और हम आपके सामने फिर हाजिर हैं यूपी इलेक्शन का महासर्वे, महा ओपिनियन एग्जिट और महासर्वे लेकर। कुछ महासर्वे जो है लगातार हम आपको बता रहे हैं, 9 सर्वे जो है हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लगातार हम आपको 4 सर्वे जो है वो दिखा चुके हैं। आज बारी है 5वें सर्वे की और 5वें सर्वे में हम आपको बताएंगे भी आखिर किसकी सरकार बन रही है। आपने देखा भी पिछले 4 सर्वे में जिस प्रकार से बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नज़र आ रही थी, यानी योगी सरकार रिपीट कर रही थी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले और हाँ, यूपी के किसी भी जिले, किसी भी तहसील, कस्बे, गांव से हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपके अनुमान से यूपी में आखिर किसकी सरकार बननी चाहिए या बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें पिछले 4ों का गणित बता देते हैं। पिछले 4ों सर्वे की अगर बात करें तो जहां आदर्श को 19 सीटें, उसके बाद 13 और 21 और 15, यानी 4 सर्वे में लगातार अलग अलग सीटें बदलती रही हैं उनकी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो जहां पहले सर्वे में 18, दूसरे में 11, तीसरे में 15 और चौथे में 17, यानी यहां पर भी उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा था। और वहीं बात करें बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की, तो उनका आंकड़ा जो था वो 40 से पार ही रहा था, 42 पहले में, 42 दूसरे में, 41 तीसरे में, 44 और फिर 45, ये सीटें का आंकड़ा रहा था। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो 60 और 50 के आंकड़े में रहे थे पहले सर्वे में, जहाँ 52 सीटें थी, दूसरे में 58 हो गई, तीसरे में 62 हो गई, चौथे में फिर बढ़कर 67 हो गई। लगातार बढ़ोतरी पर थी समाजवादी पार्टी। और वहीं बात करें बीजेपी की, जहाँ पहले सर्वे में 272 सीटें नज़र आ रही थी, दूसरे में 280, एक बार सीटें बढ़ी, उसके बाद तीसरे में फिर 261 और चौथे में जो है वो 259, यानी घट गई, यानी लगातार पहले और दूसरे सर्वे में बढ़ी और तीसरे और चौथे में थोड़ी घटी है। तो वहीं बात करें आपके अनुमान से, इन 4ों सर्वे के अनुसार यूपी में योगी रिपीट कर रहे हैं, आपके अनुसार कौन रिपीट करेगा? या अब की बार बहुजन समाज पार्टी या फिर एसपी समाजवादी पार्टी कितना प्रभाव छोड़ पाएगी, क्या वो सत्ता में आ पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो फिर आपको कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आपका आज शुरू करते हैं आज का 5वां वो सर्वे जिसका आपको इंतज़ार है। बात करें 5वें सर्वे की तो आदर्श को जो है 16 सीटें जो है 5वें सर्वे के अनुसार मिलती हुई नज़र आ रही है। और वहीं बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो उनको 19 सीटें जो है वो सीधे तौर पर मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी की यानी बीएसपी की तो वो 43 यानी 43 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। और वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की तो वहाँ पर 64 सीटें हैं जो वो समाजवादी पार्टी को मिलती नज़र आ रही है। ये 4ों का गणित था, आदर्श को 16, आईएनसी को 19, बीएसपी को 43 और एसपी को 64 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। अब बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए की तो एनडीए के साफ तौर पर 261 सीटें एक बार फिर आती हुई नज़र आ रही है। मतलब 5वें सर्वे के अनुसार भी एनडीए यानी बीजेपी जो है एक बार फिर से यूपी के सत्ता पे काबिज हो सकती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? राय जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।